कल तक जिस परिवार को था पैसों का घमंड, अब वो है किसी और की मदद के मोहताज। अनिका ने क्या कहा ऐसा जिससे नक्श के उड़ गए होश? जावेरी खानदान को अब कौन बचाएगा कर्जे से? और क्या नक्श और अनिका में बढ़ेगी नजदीकियां या अनिका का शक कर देगा सब खत्म? तुम्हारे पास 15 करोड़ रुपए कहाँ से आए? अरे नहीं, मैंने तो उसे 3-4 करोड़ ही उधार दिए थे। वो तो मेरा जिगरी यार है, इसलिए उसने मुझे इंटरेस्ट के साथ इतना महंगा गिफ्ट दिया। ओ, तो उन पैसों के बदले उसने तुम्हें इतना वैल्यूबल गिफ्ट दिया? तो मुझे लगता है कि हमें उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। लेकिन वो तो आज ही अब्रॉड निकल गया, अब तो शायद वो 5 साल बाद ही वापस इंडिया आएगा। ये सुनकर अनिका ने अपना सर हिलाया। जल्द ही नक्श और अनिका अपने विला पहुंच गए। विला में घुसते ही अनिका सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ी और नक्श लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगा। शाम को जब अनिका की आंख खुली तो उसने देखा कि नक्श किसी से कॉल पर बात कर रहा है। ये देखकर अनिका ने छुपते हुए उसकी बात सुनने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, और उन भंडारीज के अग्रीमेंट का क्या? वो काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वो 500 करोड़ रुपए की डील है, मुझे उस काम में ढिलाई नहीं चाहिए। ये सुनकर अनिका चौंक गई थी। नक्श के हिसाब से वो एक छोटी कंपनी में काम करता था, लेकिन ऐसी कौन सी छोटी कंपनी है जो 500 करोड़ रुपए की डील करती है? जैसे ही लिविंग रूम में खिड़की में लगे कांच पर नक्श का ध्यान गया, उसे अनिका का रिफ्लेक्शन दिखा और नक्श शॉक्ड रह गया। तुम अभी मेरे नीचे अपॉइंट हुए हो, तुम्हें सीखने में बहुत समय लगेगा। बॉस अक्सर ऐसे सवाल करते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि तुम्हें काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी है। ओके नक्श, क्या कर रहे हो? अरे तुम उठ गई, मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा। बस कुछ नहीं, मेरे बॉस ने एक लड़के को मेरे अंडर हायर किया है, तो बस उसे थोड़ा काम सिखा रहा था। ओ अच्छा, वैसे आज तुमने जो कुछ भी मम्मी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। थोड़ी देर में डिनर का समय भी होने वाला था। नक्श ने तय किया कि वो आज घर पर डिनर बनाएगा। डिनर करने के बाद नक्श और अनिका सोने चले गए थे। अगली सुबह अनिका को जावेरी परिवार से कॉल आया और स्टार विला से अनिका ने टैक्सी पकड़ी और जावेरी मैंशन की तरफ निकल पड़ी। नक्श भी तैयार होकर भानुशाली ग्रुप के ऑफिस निकल गया था। जावेरी परिवार के मैंशन में कल्याणी अपने परिवार के लोगों को देखकर धीमी आवाज में बोली, बिंद्रा ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए निकालकर जावेरी परिवार पर आए इस क्राइसिस में मदद की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब हमारे पास सिर्फ 40% शेयर्स ही हैं। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या आप सभी अपने अपने ऑप्शंस देंगे? दादी एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि साल के अंत में जावेरी परिवार के पास बहुत कम प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के साथ आगे का सब कुछ मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बिंद्रा ग्रुप नहीं होता तो हम कर्जा कैसे चुकाते? सूरत शहर में रहने लायक भी नहीं रहते, तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। माँ मेरे पास एक आइडिया है, अगर वो आइडिया कामयाब रहा तो जावेरी परिवार एक बार फिर से उठ सकता है। नवीन क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? माँ अब हम इस फैक्ट को नहीं बदल सकते कि जावेरी परिवार के 60% शेयर्स बिंद्रा ग्रुप के हाथ में चले गए हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि उन 60% शेयर्स को अलग रखो। हमारे पास बाकी के जो 40% हैं उसमें से 10% को बाहर निकालते हैं और उसे बेच देते हैं। उससे जो मिलेगा हम एक नई कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। आइडिया तो काफी अच्छा है, लेकिन हमारे 10% शेयर्स को कौन खरीदेगा? माँ आप ये मत भूलिए कि अब जावेरी परिवार बिंद्रा ग्रुप के साथ काम कर रहा है। लेकिन हमारे 10% शेयर्स को आखिर कौन खरीदेगा? बोलने में वो बस 10% है, लेकिन उनकी कीमत तो करोड़ों में है ना। आप सभी परेशान मत होइए, इस बारे में मैं बहुत पहले ही सोच चुका हूँ। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो हमारे 10% शेयर्स चुटकियों में खरीद सकता है। तुम्हारा दोस्त? माँ क्या आपने अशरफ अली का नाम सुना है? अशरफ अली, वो अली इंडस्ट्रीज के मालिक? क्या मैम्बू अंकल उस इंसान को जानते हैं? कैसे? मैंने सुना है कि उनका कारोबार ना सिर्फ इंडिया में है बल्कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ है, यहाँ तक कि अब तो अली इंडस्ट्रीज रशिया भी पहुँच गई है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, उसके लिए हमारे 10% शेयर्स खरीदना किसी दुकान पर जाकर चीनी खरीदने जैसा है, इसलिए सब हो जाएगा, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है नवीन, तुम मिस्टर अली को कॉल लगाओ। मैम्बो अंकल ने अपना फोन बाहर निकाला और कॉल लगाया। अशरफ अली के साथ अपने कनेक्शंस दिखाने के चक्कर में मैम्बो अंकल ने जानबूझकर कॉल को लाउड स्पीकर पर रखा। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही मैम्बो अंकल ने प्राउडली कहा, हेलो
क्या मेरी बात मिस्टर अली से हो रही है? पहचाना, मैं नवीन जावेरी बोल रहा हूँ। क्या आप अभी फ्री हैं? आपसे कुछ डिस्कस करना था। अरे नवीन, क्या हाल है? अरे भाई, मेरे पास समय नहीं भी होगा तो भी तुम्हारे मैटर के लिए मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। क्या 10% शेयर बेचने की आड़ में मैम्बो रच रहा था कोई बड़ी साजिश? क्या मैम्बो अंकल की वजह से अनिका का परिवार और मुसीबत में पड़ने वाला था? क्या फिर से नक्श को आना पड़ेगा जावेरी खानदान को इस मुसीबत से निकालने के लिए? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।